लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमर, गुड मॉर्निंग ताऊजी। जीते रहो। अमर, जब से तू यहाँ आया है मैं बहुत डरपोक हो गया हूँ। डरपोक? हाँ, शाम को जब सूरज डूबता है तो दिल में एक डर उभरता है। कैसा डर? यही कि तू अभी तक घर पहुंचा है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर कहाँ है? कहीं अपनी नासमझी में किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। ओ ताऊ जी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। अरे मेरे सामने तो बड़ा नहीं हुआ ना। अभी तुझे मेरे सामने भी बड़ा होना है। इस डर को खत्म करने का एक गुर है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि इस घर में कोई ऐसी चीज ला के रख दू कि जो तेरे लौटने की गारंटी हो। ताऊजी, मैं कुछ समझा नहीं। पहले ये समझ ले कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उस पर बहस कोई नहीं। मैं फैसला कर चुका हूँ। ताऊजी, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन कौन सा फैसला? तेरी शादी का। अरे तेरे शादी के रिश्ते की बात मैं चारों तरफ भेज रहा हूँ। ताऊजी, मैं... तू भले ही शादी ना करना चाहता हो पर मैं तेरी शादी करवा के रहूंगा। ताऊजी, बात वो नहीं है, दरअसल बात तो ये है कि अच्छा अच्छा, इस मामले में भी तेरे दिल पर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है क्या? अरे ये तो सोने पे सुहागा, नो मंगनी पंच ब्याह। जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा। ताऊजी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो लड़की बहुत गरीब है। लड़की वो तेरे लिए होगी, मेरे घर की वो लक्ष्मी होगी, और लक्ष्मी कभी गरीब नहीं हो सकती। हाँ। ये तो मुझे कहाँ ले आए जाए? चलो बाहर चलो, कोई देख लेगा तो ऐतराज करेगा। अरे सुमन, इस चार दीवारी में किसी का ऐतराज आ ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है। तुम हो मलिका फ्लैट और हम शहंशाह फ्लैट। तुम्हारा मतलब है ये फ्लैट हमारा है? बिल्कुल। तुम बस यूँ समझ लो सुमन कि इतने सालों जो मैंने अपने कला की पूजा की है आज उसका प्रसाद मुझे एक साथ मिल गया। दीवान दीनानाथ जी के भतीजे का रोल मैंने कुछ इस खूबी से निभाया है कि उनकी खुशी देखकर उनके भाइयों ने मुझे मालामाल कर दिया, और उन्हीं पैसों से मैंने अपनी प्यारी सुमन के लिए एक छोटा सा मगर प्यारा सा घर खरीदा है। कैसा लगा? यानी कि अब हम शादी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन अब तुम्हारी शादी अजय के साथ नहीं, अमर के साथ होगी। अमर के साथ? देखो, दीवान दीनाना जी मरने से पहले अपने इस भतीजे अमर के सर पे सेहरा देखना चाहते हैं। अरे मैं तो उन्हें उनके होने वाली बहू का नाम तक बता चुका हूँ। सुमन, अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। प्लीज अजय, मुझे अपने नाटकों में शामिल मत करो। ओ कम ऑन सुमन, उनके भतीजे होने का नाटक तो मैं कर रहा हूँ, तुम मेरे होने वाली बीवी होने का नाटक थोड़ी कर रही हो, वो तो हकीकत है ना? क्या? अमर, तू गलती कर रहा है। ताऊजी, गलती? बहुत बड़ी गलती। ताऊजी, मैं कुछ समझा नहीं। ताऊजी, अरे पगले, इतनी अच्छी लड़की मिली है तुझे और तू अभी तक कमारा ही घूम रहा है। हीरा तो ढूंढ लिया लेकिन उसकी कदर नहीं जानता। इससे शादी करने में तूने जितनी देर की है ना, मैं उतनी जल्दी इसे अपने घर की बहू बनाने में करूंगा। राम सिंह जी, दीवान साहब। हाँ जी, पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाओ जी। और अमर और बेटी, क्या नाम बताया जी? सुमन। अमर और सुमन की शादी का ऐलान करवा दो जी। ताऊजी, बाबूजी, बड़ों का फैसला हमारे लिए हुक्म है, पर आज्ञा हो तो मैं अपने मामा जी को ये खुशखबरी सुनाकर उनकी भी इजाजत ले लूं। भाई, आज ही शाम को हमारे घर पर उनकी दावत। बाबूजी, वो तो बंबई में रहते हैं, मुझे वहाँ जाकर उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और तुम्हारे माँ बाप? एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ओ, मेरे जैसा दर्द तेरे सीने में भी है। तू बहू बनकर आएगी ना तो मैं तेरी वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। जा बेटी, अपने मामा जी से इजाजत लेकर आ जा,
तब तक मैं इस नालायक को लायक बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ वकील साहब, कल जो कागजात दिए थे जी, वो चेक कर लिए ना? सारे चेक कर लिए, नॉट टू वरी। ओके। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अमर जी, यही है वो ऑफिस जहां हमने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। दीवान दीनानाथ ने जो हस्ती जो वजूद बनाया है वो सब इसी ऑफिस की बदौलत है। आज से ये ऑफिस तुम्हारे हवाले, इसकी देखभाल तुम करोगे। ताऊजी ऐसे भी क्या जल्दी है, पहले यहाँ का सारा कामकाज तो सीख लो, उसके बाद ये जिम्मेदारी भी उठा लूंगा। जिम्मेदारी जब कंधों पर पड़े तो काम जल्दी समझ में आ जाता है। और फिर हमने सुमन से वादा किया है कि हम बहुत जल्द तुम्हें उसके लायक बना देंगे। लेकिन ताऊजी। गुड मॉर्निंग सर। आपने मुझे याद किया सर। हाँ विनोद, ये अमर है हमारा भतीजा, धीरे धीरे हमारी कंपनी का सारा कारोबार ये अपने हाथ में ले लेगा। ऑफ कोर्स विद योर हेल्प एंड गाइडेंस। अमर, ये मिस्टर विनोद हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर। He is a very dedicated, honest young man. बस ये समझ लो कि हमारी कंपनी के कारोबार की जानकारी हमसे ज्यादा इसे है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई विनोद साहब। मुझे भी। Same here. क्या कह रहे हो कामिनी काशिप? ऑफिस में दीनानाथ का सबसे बड़ा वफादार बना हुआ है। और ऐसा वफादार जिसने उनका पूरा कारोबार अपने हाथों में किया हुआ है। और तो और, जब दीनानाथ जी उस कमजोर की तारीफ करना शुरू करते हैं तो वो तब तक नहीं रुकते जब तक उन्हें रोका ना जाए। ये तो बड़ी जहरीली नागन निकली। और उसका जोड़ीदार नाक कुंडली मारकर भैया के बिजनेस पर बैठा हुआ है। कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है कि खुद अपनी प्रेमिका को जानबूझकर दीनानाथ पर डोरी डालने के लिए भेज सकता है? छी, इसमें छी की क्या बात है, करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। उस विनोद को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? मुझे नहीं लगता, लेकिन उसको लेकर मेरा शक अब यकीन में बदल गया। जब ऑफिस में विनोद से मेरा आमना सामना हुआ तो मुझे देखकर वो कुछ बौखला सा गया था। हाथ मिलाया तो उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। अरे ठंडे तो हम पड़े हुए हैं, सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना, उस नर्स और उसके आशिक पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। क्या उम्र है आपकी? ये कोई 45 के आसपास। क्यों, 14 साल कैद बामुशक्कत। यानी आप ये सारी मेहनत रिटायरमेंट के बाद के लिए कर रहे हैं? ये लड़ाई एतबार की है, कामिनी और विनोद एक तरफ और आप सब एक तरफ। सवाल तो ये है कि दीनानाथ जी किस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, आप पर या उन पर? करते तो उन पर ही है ना, और हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं वो सीन मैं ऑलरेडी सोच चुका हूं। हेलो। हेलो कामिनी, आज से ना हम मिलेंगे और ना ही फोन पर बातें करेंगे जब तक ये प्लान कामयाब नहीं हो जाता। क्यों, ऐसा क्या हुआ? आज दीनानाथ जी अमर को लेकर ऑफिस आए थे और वो जिस अंदाज से मुझे देख रहा था, मुझे लगता है उसके हाथ कोई सबूत आ गया है। सबूत? कैसा सबूत? ये मैं नहीं जानता। कामिनी तुम अमर पर नजर रखो और देखना कोई गलती ना कर बैठना, वो जरूरत से ज्यादा चालाक लगता है। हाँ, मार्केट जाएंगे और मार्केट के बाद पार्लर भी होकर हम अरे अमर तुम कुछ काम था? ऐसे ही सोचा तुम्हें गुड नाइट कह दूं। गुड नाइट। गुड नाइट कामिनी, स्लीप वेल। हाँ फिर पार्लर से होकर हम लोग। देखा, इससे पहले कि तुम उस पर नजर रखो उसने तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया है। वो जरूर किसी कोशिश में लगा है, होशियार रहना। अब कुछ तो बताओ अजय, तुम्हारा मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों लग रहा है? अब तुम्हें क्या बताऊं सुमन, तुम तो दीवान दीनानाथ जी से मिली हो, कितने कितने भले इंसान है वो। भले ही नहीं अजय, वो तो साक्षात देवता है देवता। मैंने जो उनकी आंखों में सच्चाई देखी है ना,
और जो उनकी भावनाओं में गहराई देखी है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन मैंने उस घर में जो देखा है सुमन, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारा दिल भर आएगा। मैं तो बिल्कुल हिल गया था उनके साथ होता हुआ फरेब देखकर। टीना नाची के साथ फरेब कौन कर रहा है, उनके भाई? अरे नहीं नहीं, उनके भाई तो बहुत भले लोग हैं, बिल्कुल गाय हैं गाय। उस घर में तो सिर्फ एक फरेब है, दीवान साहब की वो नर्स कामिनी। कामिनी क्या किया उसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया उसने, आई थी उस घर में एक नर्स बनकर और अब उसने सारे घर पर कब्जा कर रखा है। और पता नहीं दीवान साहब उसका लिहाज करके या उसकी ड्यूटी को एक एहसान समझकर उसे कुछ कहते नहीं, और वो कमीनी मेरा मतलब है कामिनी अपने उस बॉयफ्रेंड विनोद के साथ मिलकर उन्हीं के खिलाफ साजिश कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता अजय। सुमन ये सब मैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा हूँ। उधर ऑफिस में विनोद ने दीवान साहब के कारोबार की लगाम अपने हाथों में की हुई है, और इधर घर में कामिनी ने उस बेबस अपाहिज को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है ताकि दोनों मिलकर उनकी जायदाद को पूरी तरह निकल जाएं। तो कोई जाकर उन्हें बात बताता क्यों नहीं? कैसे बताएं सुमन, सब लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती। सुमन आज अगर उन्हें कोई समझा सकता है तो वो तुम हो। मैं? हाँ सुमन तुम। न जाने तुमने उन पर क्या जादू कर दिया, आजकल वो हर वक्त तुम्हारी ही बातें करते हैं, मेरी होने वाली बहू ऐसी है, मेरी होने वाली बहू वैसी है। सुमन मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं, दीवान साहब की जिंदगी भर की मेहनत, उनकी कमाई को किसी साजिश का शिकार मत होने दो तुम। बचा लो ने सुमन, बचा लो। लेकिन अजय मैं सीधा जाकर उनसे ये सब कुछ कैसे कह सकती हूँ? रास्ता निकल आएगा सुमन, बस तुम हाँ कह दो। सुमन तुमने अपने मामा से इजाजत ले ली, हम ये सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे थे। सुमन हम तीसरी बार तुमसे ये पूछ रहे हैं, तुमने अपने मामा से बात की? हाँ बाबूजी, बात तो की थी, पर वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कैसी बातें? सुनकर क्या करेंगे बाबूजी, छोटा मुंह और बड़ी बातें। हम सुनना चाहते हैं। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, न जाने वो आपके खानदान के बारे में क्या अफवाह सुनकर आ गए और शादी के लिए शर्तें रखने लगे। मामा जी भले ही मुझे आपकी बहू बनने से रोक लें, लेकिन मैं आपकी बेटी तो बन ही सकती हूँ ना। तुम हमारी बहू ही बनोगी सुमन, हमें पता तो चले कि ऐसी कौन सी शर्त रखी है उन्होंने जो हम पूरी नहीं कर सकते, और क्या अफवाह सुनी है उन्होंने हमारे खानदान के बारे में। वो कह रहे थे कि लोग आपको और कामिनी जी को लेकर बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो कौन है, क्या रिश्ता है आपका और कामिनी जी का, वो इस घर में क्यों है? जब तक कामिनी जी इस घर में है मुझे इस घर की बहू बनने की इजाजत नहीं मिल सकती। वाह सुमन वाह, मेरे ताऊजी ने तुम्हें थोड़ा प्यार क्या दिखा दिया, तुम्हारे घर वाले अब इन पर अपनी शर्तें थोपने लगे। यानी तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तक कामिनी इस घर में मौजूद है तुम इस घर में नहीं आ सकती, क्यों? ये मेरी शर्त नहीं, मामा जी का कहना है। तो जाओ जाकर कह दो अपने मामा जी से कि अमर खुद उनकी शर्त से इनकार करता है। मैं अपनी खुशी के लिए अपने ताऊजी की खुशी कुर्बान नहीं कर सकता। कामिनी इसी घर में रहेगी, सुना तुमने, चाहे तुम इस घर की बहू बनकर आओ या ना आओ। कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी अगर हमारी शादी नहीं होगी। वैसे अगर तुम अपने मामा जी की मर्जी के खिलाफ जा सकती हो तो। तुम जब अपने ताऊ जी के लिए इतना कर सकते हो तो मेरा भी अपने मामा जी के प्रति कोई फर्ज है। कामिनी जब तक इस घर में है मामा जी जीते जी मुझे कभी इस घर की बहू नहीं बनने देंगे। सुमन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस घर से निकालना चाहती हो? आखिर आखिर तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है? मैं माफी मांगती हूँ आपसे, दुश्मनी नहीं, मेरी एक मजबूरी थी जो मैं बाबूजी को बताने आई थी, और अब मैं चलती हूँ। बहू? नहीं ताऊजी, उसे जाने दीजिए। पर भाकर को भी एक बार ऐसे ही जाने दिया था, फिर बहुत पछताया था, आज तक पछता रहा हूं। और तू अमर, किस्मत में अपनों से जुदाई ही लिखवा कर लाया है,
जो तुझे प्यार करते हैं उनसे तुझे बिछड़ना क्यों पड़ता है? तो मन अपने मामा जी से कह दो हमें उनकी सब शर्तें मंजूर हैं। इसका मतलब आप? आई एम सॉरी कामनी, आई एम सॉरी। तुमने मुझसे बहुत मुश्किल रोल करवाया है अजय, जैसे मुझसे कोई पाप करवाया हो। नहीं सुमन, नहीं, ये पाप नहीं, ये तो पुण्य था। जो पाप यहां चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है, ट्रस्ट मी। ए, तुम ये मुंह पे फकीरी लिए क्यों बैठे हो? अब तो करोड़पतियों वाली बात लाओ। भैया, कामिनी नाम का कांटा था, निकल गया। सुई से कांटा निकालने चले थे, कांटा तो निकल गया, मगर अजय नाम की सुई अटके रह गई। अजय कामनी से ज्यादा खतरनाक है रेखा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना? दे देंगे। अरे 3 लाख तो वो ले भी चुका है, और क्या वट से लिए थे, सीना ठोक कर, कोई कुछ नहीं कर पाया। तब हमारी मजबूरी थी। हाँ, लेकिन तब मजबूरी 3 लाख की थी, और अब ये मजबूरी 80 करोड़ की हो गई है। उसकी नियत पूरी जायदाद पर है। उसने अपनी कलाकारी से दीनानाथ चौधरी को कठपुतली बना दिया है। अब वो सारी जायदाद अपने नाम करवा लेगा। उसके बाप का राजा क्या? ₹1,00,000 देकर साले की सुपारी उठवा दूंगा, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, 1 लाख रुपए भी क्यों देने के? एक तरीका और भी है। क्या? अजय को तैरना नहीं आता, क्यों ना एक दिन बीच पर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया जाए। अरे बीच पर ही क्यों, बंगले का स्विमिंग पूल किस दिन काम आएगा। पर कैसे? हर्षद, तुझे तैरना आता है? हाँ। ना, आज से तू तैरना नहीं जानता। मतलब? अब 20 करोड़ रुपए के लिए पानी में कुछ डुबकियां तो खानी पड़ेगी ना छोटे। कूदेगा लगी शेर, कूदेगा। अरे काम मर गए सबके सब, अरे ये डूब जाएगा। अरे हर्षद, अबे चाह बचा ना, लगता है साला नहीं कूदेगा। लगी शेर कूदेगा, नहीं कूदेगा। अबे हर्षद, हर्षद मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। बचाओ बचाओ। अमर! अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ रहकर भी क्या कर लेगा? अमर! मैं आया! ये तो गए हमारे 20 करोड़। बचाओ, मुझे मुझे बचाओ। भाई साहब रमेश, तुम को संभाल, छोड़ दे। हद है तेरी लापरवाही की दीनानाथ। अरे जरा सा बेहोश क्या हुआ, तू राशन पानी बनाने के लिए दवाइयां लेके यहां पहुंच गया। हां चल तकिया ऊंचा कर। हाँ, अब अच्छी तरह से होश में आ जा, कह देता हूं। अरे तेरी उम्र तुझे अपनी सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देती। जब अमर को तैरना ही नहीं आता था
तो उसे पानी में कूदने की क्या जरूरत थी? देखा उसका बचपना? तूने उसकी इंसानियत देखी? तैरना न जानते हुए भी हर्षद को बचाने के लिए वो पानी में कूद गया। अरे मगर तू क्यों पानी में कूदा? तुझे कुछ हो जाता तो? अमर को कुछ हो जाता तो? अमर तो ठीक है ना? हाँ। कहाँ है वो? कहाँ है? ताऊजी, मुझे माफ कर दीजिए ताऊजी, मेरी वजह से आपको। बस कर, तेरी वजह से बेटा लगता है आज मुझे प्रभाकर की माफी मिल गई। आ इधर आ। अरे आओ ना। अरे अरे इधर नहीं, इधर आ, इधर आ। डॉक्टर पीछे हट, पीछे हट, हटो ना पीछे। ताऊजी बहू, ये गलत बात है। इस छत के नीचे तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। बाबूजी, आप बेहोश क्या हुए? हमारी जिंदगी को सूर्य ग्रहण लग गया, अचानक एक अंधेरा सा छा गया। बहू, अब ये सूरज बूढ़ा हो गया है, डूबने की तैयारी में है। ऐसी बातें मत कीजिए बाबूजी। जी तो ली पूरी जिंदगी, हो गए सारे फर्ज पूरे। अब तो जिस दिन मूड आया, खुदा हाफिज, गुड बाय। लेकिन नहीं, अभी एक आखिरी फर्ज पूरा करना है। राम सिंह जी साहब, अपने वकील साहब को बुलवा भेजो, उनसे कहो कि हमें अपना वसीयत नामा तैयार करना है। जी बहुत अच्छा। और सुनो जी, ये डॉक्टर को ले जाओ। आइए डॉक्टर साहब। दीनानाथ, तू बाज नहीं आएगा। चलिए।